एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम साकेत के शीर्षक के औचित्य का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने साकेत के शीर्षक कितना उचित है इस पर चर्चा की थी। इसकी पीडीएफ मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही हूँ, आप थोड़ा समझ लें कि शीर्षक औचित्य में हमने पहले जो बिंदु लिया था वो था वर्णित विषय वस्तु से संपृक्त। उस बिंदु पे अपन ने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। अब अपन करते हैं घटनाओं का केंद्र, यानी कितनी सारी घटनाएं साकेत में घटित होती है या साकेत से संबंध रखती है। तो इस लिहाज से अगर अपन देखें तो शीर्षक उचित है। साकेत में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, समाविष्ट हैं, वो सारी साकेत से ही संबंध रखती है। राम कथा की प्रारंभिक घटनाएं जैसे उर्मिला का विनोदकारी वाकविलास, राज्याभिषेक की तैयारियां, मंथरा का षड्यंत्र, केकई की वर याचना, दशरथ का मरण, भरत आगमन, ये सभी घटनाएं जो होती हैं उनको साकेत में घटित होते दिखाया गया है। तो शीर्षक साकेत उचित ही है। कवि कुछ घटनाओं के लिए साकेत छोड़कर चित्रकूट की ओर भी बढ़ते हुए यहाँ दिखाई देते हैं, पर साकेत फिर भी पीछा नहीं छोड़ता है। वहाँ भी उनका संबंध साकेत में बैठ जाता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि साकेत और चित्रकूट को कवि ने अलग अलग करके नहीं देखा। एक उदाहरण देख लीजिए कवि की पंक्तियों के रूप में। संप्रति साकेत समाज वही है सारा, सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा। तो इससे स्पष्ट है कि चित्रकूट की घटनाओं को भी साकेत की ही घटनाओं के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। इसके अनंतर विरहिणी उर्मिला की कथा भी साकेत में ही घटित होती दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त साकेत में बैठी हुई उर्मिला के मुख से सूर्यवंश के राजाओं की यशगान, जानकी मांडवी आदि सभी बहनों के जन्म की और बचपन की क्रीड़ाएं, राम की रामलीलाएं, ताड़कावध, वाटिका में जानकी राम का प्रथम साक्षात्कार, धनुष यज्ञ और विवाह आदि का वर्णन करा दिया है। आगे चलकर शूर्पणखा, खरदूषण आदि से संबंधित कथाओं को शत्रुघ्न के मुख से कहलवाया गया है, यानी ये सारी चीजें इसमें आई है। तदंतर राम की युद्ध यात्रा, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, लक्ष्मण शक्ति से संबंधित कथाएं, ये सब साकेत में आकर हनुमान सुना देते हैं। और शेष राम कथा में से मेघनाथ, कुंभकर्ण वध, रावण वध, राम रावण युद्ध, विभीषण का राज्याभिषेक, पुष्पक यान द्वारा राम का पुनरागमन, ये घटनाएं वशिष्ठ जी जो है वो योग दृष्टि के द्वारा साकेत में ही खड़े खड़े समस्त साकेत वासियों को दिखा देते हैं। तो साकेत शीर्षक की अपन मोहर लगा रहे हैं कि ये सही है या नहीं, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें साकेत में घटित होती हैं या वहीं पर वो बताई जाती हैं। इस प्रकार गुप्त जी ने अपने इस काव्य में संपूर्ण घटनाओं का केंद्र साकेत या अयोध्या को ही बना दिया है। इसलिए साकेत नाम महत्वपूर्ण है और हमें सार्थक प्रतीत होता है। अब अपन एक बिंदु पर और दो बिंदुओं पर और बात करेंगे जिनसे अपन कह सकते हैं कि ये साकेत जो है वो नाम वास्तव में सही है। प्रभावोत्पादक, यानी ये नाम कितना प्रभावशाली है या कथा कितनी प्रभावशाली है। किसी भी कवि के नाम के साथ यह भी आवश्यक है कि उसमें प्रभाव डालने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। यदि साकेत के स्थान पर अगर अपन ऐसा सोचें कि इसका नाम अयोध्या होता तो क्या होता, अयोध्या नाम होता तो उसकी उसमें वो बात नहीं रहती। अगर साकेत के स्थान में अयोध्या होता तो वो नवीनता और वो आकर्षण नहीं रहता जितना इस नाम का है। यह नाम पुरातन नहीं होकर के नवीन भी है, सीधा आकर्षित करता है नई पीढ़ी को भी, क्योंकि अयोध्या, रामायण, रामचरितमानस ये नाम बहुत लिए जा चुके हैं। साकेत नाम अपने आप में विशिष्ट है, नया है, नवीन से अधिक वो चित्ताकर्षक और रमणीय भी जान पड़ता है। साकेत नाम स्वर्गोपम नगरी का बोध कराता है, इसलिए भी ये नाम सार्थक है। तो हम क्या मान सकते हैं कि साकेत नाम सार्थक है, ये शीर्षक जो है उचित है।
एक और बिंदु पर अपन चलते चलते चर्चा कर सकते हैं कि ये नाम क्यों उचित है। ये उत्सुकता बढ़ाता है, तो अपन इसको क्या शीर्षक देंगे, औत्सुक्य वर्धक। यानी एक उत्सुकता रहती है इस नाम से, साकेत के नाम से, कि पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा। इस नाम को जैसे ही पाठक सुनता है वैसे उसके मन में प्रश्नों की श्रृंखला पैदा हो जाती है, साथ ही साथ उत्सुकता बढ़ जाती है कि कवि ने न जाने कौन सी घटनाओं को इसमें स्थान दिया है या क्या नया है। यानी रामचरितमानस हम जानते हैं, घटनाएं भी जानते हैं, लेकिन इनका प्रस्तुतिकरण हो सकता है कैसे किया हो, अलग किया हो, तो एक आकर्षण उत्सुकता इसमें बनी रहती है। इसी उत्सुकता में वह इस वृत्ति को, इस कृति को पढ़ने के लिए लालायित और उत्सुक उठता है। सारी रामकथा क्रमबद्ध से ही साकेत में न आए किंतु उसका परिचय पाठक को अवश्य मिलता है। भले ही क्रमबद्ध तरीके से न आए पर इसमें पाठक को परिचय मिलता रहता है। इसी किसी भी स्थल पर कथा चाहे कितनी भी मंद हो गई हो किंतु वह पथ भ्रष्ट या उद्देश्य से भ्रष्ट नहीं दिखाई देती है। कथा की विशिष्टता इस बात में निहित है कि कवि ने उसे जिस स्थान से उठाया उसी स्थान पर छोड़कर सांस ली है। जैसे आपको उदाहरण बता दूं, लक्ष्मण और उर्मिला का जो संवाद शुरू होता है, कथा यहीं से शुरू होती है और उनके मिलन में समाप्त हो जाती है। सभी घटनाओं से किसी न किसी पात्र के संदर्भ से पाठक को घटनाएं जो है ज्ञात हो जाती है। कोई ना कोई संदर्भ ऐसा बीच में आता है कि जिससे वो घटना जो हम अब तक रामायण की या राम कथा की जानते आए हैं, विभिन्न स्रोतों से हमें पता चली है, तो वो घटनाएं कैसे न कैसे हमें पता लग जाती है। इस प्रकार इसकी सार्थकता सिद्ध होती है, इस शीर्षक की उत्सुकता इसमें बराबर बनी रहती है। तो इस प्रकार ये शीर्षक जो है उचित है। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि साकेत की का नामकरण पद्धति की पृष्ठभूमि में अनेक दलीलें दी जा सकती है। साकेत का जो उद्देश्य है, कवि का जो इसका सर्जनागत उद्देश्य है, इस नाम की सार्थकता इसमें व्यंजित है। और साथ ही साथ जो घटनाओं का केंद्र भी साकेत ही बना है, परिणाम स्वरूप सभी दृष्टियों से साकेत नाम पूर्णतः सार्थक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाम में एक आकर्षण है और सिद्ध भी हो जाता है। साथ ही साथ कवि एक ही तीर से दो निशाने साध लेते हैं। एक तो उर्मिला जो कि उपेक्षित विरहिणी स्त्री है उसका और केकई का चित्रण वो कर देते हैं, जो कि कवि की एक खास विशेषता है कि वो इतिहास के उपेक्षित स्त्री पात्रों को आगे लाते हैं। दूसरा, राम उनके इष्टदेव थे तो राम की कथा भी कह ली, इस बहाने उनका नाम भी लिया गया और उर्मिला और केकई के बारे में भी उन्होंने बात कर ली। तो पूर्णतः हम सहमत हैं कि साकेत शीर्षक एक उचित शीर्षक है। इसके अलावा कोई शीर्षक होता तो न उतनी उत्सुकता रहती, न उतना आकर्षण रहता। तो इसका PDF मैंने डाल दिया है, आप पढ़ना इसे। धन्यवाद।